से ये कहा जाएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत ही जरूरी बात ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जब हम रेजिस्टेंस जो हमारे प्रतिरोध होते हैं इनको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो सारे जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उसमें इक्वल करंट फ्लो करती है, क्योंकि रास्ता एक ही है, जो यहाँ से करंट जाएगी जो इसमें जाएगी भाई इसमें जाएगी भाई इसमें जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि हमारे सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो सब में क्या होगा, जो करंट होगी वो हमारी एक समान होने वाली है, ठीक है। और वोल्टेज जो होगा, मान लो इसका वोल्टेज बी है तो वोल्टेज इस पर कुछ और होगा, इस पर कुछ और होगा, इस पर कुछ और। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल फ्यूचर क्लासेस में। हम लोग सुबह बहुत प्रयास कर रहे थे लाइव क्लास के लिए, लेकिन अभी हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है लाइव क्लास को अभी ज्वाइन करने में, उसको मतलब जो है लाइव करने में। तो हम लोग अभी जो है फिर से कोशिश करेंगे, वो चीज़ें जो दिक्कत आ रही है अभी अभी उसमें जो है सुधार नहीं हो पा रहा है, तो तब तक के लिए हम लोग फिर से जो है अपनी जो क्लास जैसी चल रही थी वैसी हम क्लास को जो है कंटिन्यू रख रहे हैं। और उसी क्लास में आज हम लोग उसी सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, मतलब प्रतिरोधों का संयोजन। बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है जिसमें हम रेजिस्टेंस जो होते हैं उनको कैसे कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, और इससे रिलेटेड हमारी एक प्रॉब्लम जरूर ही हमसे एग्जाम पूछी जाती है। तो आज हम लोग ये टॉपिक समझेंगे, उसके बाद अब आपको जो भी वीडियो मिलेगा वो हमारा न्यूमेरिकल से ही होगा, और उसमें जो है हम लोग कोशिश करेंगे सुबह हमारी लाइव क्लास में कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल लाने की हमारे इस टॉपिक पर। दूसरा हमारा ओम्स लॉ है उस टॉपिक पर, तो दो पर हम लोग अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो हम लोग अभी उस क्लास को हम लोग शेड्यूल कर दिए हैं, तो सुबह वो क्लास आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना रही हम अभी और प्रयास करेंगे चीज़ों को सही करने की। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो लाइव क्लास मिल जाएगी आपको, नहीं तो अब की बार आपको ज़रूर परेशान नहीं करूँगा, बस आपको इन्फॉर्म कर दूँगा जो भी दिक्कत वहाँ पे मतलब जो भी चीज़ होगी वहाँ पर जैसा जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा, मैसेज वहाँ पे का जो हमारा कमेंट है ना वहाँ पे मैसेज को डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोधों को जो हम लोग जोड़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो विधियाँ हैं प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए। सबसे पहले जो है हमारे क्या है यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन जिसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब हमारे रेजिस्टेंस जो है वो एंड टू एंड जुड़ते चले जाते हैं। एंड टू एंड का मतलब इस तरीके से हुआ है कि जैसे हमारा एक रेजिस्टेंस ये आर वन हम कह लेते हैं उसको, तो इसका एक एंड ये हो गया और दूसरा एंड ये हो गया। अब इसके एंड से जो हमारा अगला रेजिस्टेंस है इसे हमने आर वन बोला, ये दूसरा रेजिस्टेंस है आर टू, तो इसका दूसरा एंड इसका पहला एंड यहाँ पर जुड़ गया है। ऐसे अगर और हमारे पास रेजिस्टेंस हो, ये आर थ्री हो गया, तो एंड टू एंड जो हमारा कनेक्शन होता जा रहा है यही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और अगर हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बैटरी को यहाँ पर जोड़ दें, ठीक है, अब अगर हम इस स्विच को क्लोज स्विच बना दें, पॉइंट रख दिया तो क्लोज स्विच हो गया, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, प्लस से दूर ऐसे हमारी करंट फ्लो करती है, ये करंट ऐसे होती हुई इधर को आ जाएगी हमारी करंट, ठीक इस तरीके से ये कहा जाएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन।
सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत ही जरूरी बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि जब हम रेजिस्टेंस जो हमारे प्रतिरोध होते हैं इनको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो सारे जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उसमें इक्वल करंट फ्लो करती है, क्योंकि रास्ता एक ही है, जो यहाँ से करंट जाएगी जो इसमें जाएगी भाई इसमें जाएगी भाई इसमें जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि हमारे सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो सब में क्या होगा, जो करंट होगी वो हमारी एक समान होने वाली है, ठीक है। और वोल्टेज जो होगा, मान लो इसका वोल्टेज बी है तो वोल्टेज इस पर कुछ और होगा, इस पर कुछ और होगा, इस पर कुछ और होगा सीरीज में। दूसरा हमारा जो कॉम्बिनेशन है उसमें क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस के पहले पहले जो एंड होते हैं, मान लो कि एक रेजिस्टेंस हमारा है आर वन, ये पहले पहले सिरे हैं, इनको हम लोग क्या करें एक ही पॉइंट पर इकट्ठा कर लें, और इधर वाले जो हमारे इसके जो एंड हैं उनको हम एक ही पॉइंट पर इकट्ठा कर लें, और हम लोग क्या करें इसमें एक बैटरी को कनेक्ट कर दें। इसमें भी हमारी प्लस इधर है माइनस इधर है, इसका वोल्टेज वी है, करंट ऐसे प्लस से जाएगी और यहाँ से हमारी करंट आ जाएगी। अब ये देखना है कि जो करंट हमारी जा रही है कुछ करंट इधर चली जाएगी, कुछ करंट इधर चली जाएगी, इसको हमने आई टू बोल दिया, कुछ करंट इधर चली जाएगी इसको हमने आई थ्री बोल दिया, और इधर जो करंट जा रही थी आर वन वाले रेजिस्टेंस में उसे हमने आई वन कह दिया। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि देखो तीन रास्ते हो गए करंट को जाने के लिए, तो अलग अलग रेजिस्टेंस में हमारी अलग अलग करंट जाने वाली है, और ये तीनों पर ही जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, क्योंकि इनके जो तीनों के सिरे हैं एक ही जगह पे कनेक्ट हैं, एक ही जगह पे जुड़े हुए हैं। तो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन आपको पहचानने के लिए आप ये देखना, कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाए कि जो हमारे रेजिस्टेंस होंगे अगर उनके सिरे एक ही जगह पे आ रहे हैं तो वो सीरीज में है। सीरीज मतलब हम लोग सीरीज नहीं सॉरी पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा है ये सेकेंड वाला हमारा क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल को हम लोग क्या कहते हैं समांतर, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको यही देखना होता है कि हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके पहले पहले सिरे एक जगह पे, दूसरे दूसरे सिरे एक जगह पे। और हम लोग जब क्वेश्चन इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें हो सकता है कि कुछ रेजिस्टेंस हमारे समांतर क्रम में हो और कुछ श्रेणी क्रम में हो, तो एक ही सर्किट में दोनों ही हमारे क्रम में रेजिस्टेंस जुड़े हो सकते हैं, ठीक। अब हम थोड़ी फार्मूला की बात कर लें, श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला की बात कर लें। देखिए बड़ी आसानी से हम लोग फार्मूला यहाँ पर याद कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो इनके लिए अगर हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, क्या निकालना है टोटल रेजिस्टेंस या आर इक्विवेलेंट भी कहते हैं, तो इक्विवेलेंट आप इक्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हों उनको सीधा सीधा उनको जोड़ लिया जाता है इस तरीके से, ठीक। और अगर हम लोग क्या करें सीरीज वाले की सॉरी इसकी बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो इसमें जो हमारा फार्मूला बनता है, अगर दो रेजिस्टेंस की हम बात करें, दो रेजिस्टेंस के लिए, फिर तीनों के लिए भी बात कर लेंगे, पार टू रेजिस्टेंस तो वो हमारा क्या होगा वन अपान आर या आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू,
और इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिंपलीफाई करें तो जी आ जाता है आपका आर इक्वल टू आर वन आर टू अपान में आर वन प्लस आर टू। आप कहेंगे सर कैसे आया है ये, अरे कुछ नहीं, मैंने इसको एलसीएम लिया और उसके बाद रेसिप्रोकल कर दिया। कैसे, देखो यहाँ पे समझाता हूँ। आपका लिखा है वन अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चाहे एलसीएम ले लो। अगर हम लोग यहाँ पर आर इक्विवेलेंट इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं, आर टू आएगा इधर आर वन आएगा, तो पहले आर वन लिख लेंगे प्लस आर टू लिख देंगे अपान में आर वन और आर टू। अब ये जो वन अपान आर आर इक्विवेलेंट है, इसे पलट दो, इस साइड को पलट दो, तो ये आर इक्विवेलेंट ऊपर पहुँच गया। ऐसे इसको भी पलटना पड़ेगा, तो आर वन अपान आर वन आर टू अपान में आर वन प्लस आर टू। इस तरीके से हमारा फार्मूला जी बन जाएगा। समझ में आ गई बात, बस समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। हम लोग अब तीन रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर तीन रेजिस्टेंस हो, सब चीज़ दिख रहा है ना यहाँ पर, शायद बैटरी आपको नहीं दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, अब दिख रहा है ना। अब हम लोग तीन रेजिस्टेंस की बात करें तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी, आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल आर, तो ऐसे आएगा आर वन आर टू आर थ्री अपान में आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री और प्लस आर थ्री आर वन। ठीक, इस तरीके से हमारा तीन रेजिस्टेंस के लिए आएगा। और हम इसको भी यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको, आर वन अपान इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा, वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री। अब देखते हैं हम लोग कैसे आया हमारा ये फार्मूला। तो हम एलसीएम लेंगे तो आएगा आर वन आर टू आर थ्री, ये एलसीएम आएगा, एलसीएम इतना आएगा। फिर ये एलसीएम में क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं, तो आर वन से इसको डिवाइड करो, आर वन का ख़त्म हो जाएगा, आर वन जी कट जाएगा जे वाला, तो बचेगा आर टू और आर थ्री, ठीक है। फिर प्लस लगा लो, अब आर टू से इसको डिवाइड करें तो आर टू जी ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा आर वन और आर थ्री। फिर प्लस लगा लो, अब आर थ्री से डिवाइड करें आर थ्री कट जाएगा, तो क्या आएगा आर वन और आर टू। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप समझ में आ गई होगी आर इक्विवेलेंट। अब हम लोग थोड़ा सा ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, सीधा सा उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो आर इक्विवेलेंट ऊपर हो गया, ये चीज़ ऊपर हो जाएगी आर वन आर टू और आर थ्री। और इसको थोड़ा हम लोग नीचे ना सेट करके लिख दे रहे, पहले आर वन आर टू लिख लें, आर वन आर टू, फिर आर टू आर थ्री, आर टू आर थ्री, और फिर आर थ्री आर वन लिख लें, थोड़ा सा सुधार करके लिख दिया है। और हमारा ये फाइनल फार्मूला बन गया है। इनका डेरिवेशन भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। लेकिन आप समझना चाहते हो कि और भी डिटेल में कि ये कैसे बना है ये वाला फार्मूला और ये कैसे बना है, तो हम लोग वो भी जो है करा देंगे। अभी मतलब अभी लाइव क्लास तो है नहीं जो आप बता दो, लेकिन कमेंट कर देना, ठीक है, मैं वो करवा दूँगा। कितनी बात समझ में आ गई। देखो जब भी रेजिस्टेंस हमारे जुड़े होते हैं पैरेलल में समांतर क्रम में, तो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आता है वो कम हो जाता है बहुत, और सीरीज में जुड़े होते हैं तो फिर तो सीधा बढ़ ही जाता है नहीं। इस तरीके से हमने ये देखा है। अब हम लोग एक यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे। ये हो गया ना, कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। ये हमारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ कि मैं जितनी भी क्लास ले रहा हूँ, आप फार्मूला तुरंत लर्न करते जाएं, फिर कोई वजह नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल बिल्कुल आपके चुटकियों में सॉल्व होंगे, अगर आप इतना आप काम करते हैं कि जितने भी मैं फार्मूला लिखाता हूँ उन फार्मूलों को आप जो है लर्न करते जाते हैं, और हो सके तो वो जितने भी फार्मूले हैं उनको आप फार्मूले के लिए एक कॉपी अलग से बना लें
आप उनको जो है उसमें राइट डाउन करते रहें। तो अगर आपको फार्मूला लर्न है तो बिल्कुल ही आप ये समझिएगा कि न्यूमेरिकल मैं आपके दिमाग में ऐसे बसा दूंगा कि आप आंख बंद करके सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा हूँ, जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो बिल्कुल आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर निकाल दोगे, ठीक है। कोई इसमें ये सब करने की लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी समझाने के लिए करता हूँ, ठीक है। कैसे, देखिए पहले तो पहचानिए कि ये जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है या श्रेणी क्रम में है। तो जाहिर सी बात एक के बाद एक, एक के बाद ऐसे जुड़ रहा है, एंड टू एंड हमारा कनेक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सीधा सीधा हमारा एड हो जाता है। तो हम लोग टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर निकाल लें। देखो यहाँ पर पूछा क्या हमसे कि करंट कितनी होगी सर्किट में, करंट की वैल्यू पूछी है, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी वो हमसे पूछा गया, ठीक है, ये पूछा गया है। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे या आर इक्विवेलेंट हम लोग कहें तो वो हो जाएगा हमारा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, क्योंकि ये सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा आपका 5, 8 और 12 हो जाएगा। इनको अगर हम लोग एड करें तो हमारे पास आ जाता है ये 25 आ जाएगा, 25 ओम। और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, वी इक्वल टू कितना है, वी इक्वल टू दिया 6 वोल्ट, ये गिवन है, ये दिया गया है। और हम लोग क्या जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि जो आई होता है वो क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। फार्मूला याद रखो, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा वी इक्वल टू आई आर, I की वैल्यू चाहिए तो I को यहाँ पे रोक लो और R को भेज दो तो B के अपान मार आ जाएगा, तो I इक्वल टू बी अपान आर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 25 आया हमारा, नहीं B कितना है 6 है और R कितना है आपका, R आया है 25 आया है R, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, पॉइंट लगाओ 60 हो गया, 60 हो गया, 25 × 50 हो गया, बच्चा कितना है यहाँ पर 10 बचा है, ठीक है, पॉइंट लगा 0, तो 25 × 100 यानी कि 0.24 एम्पियर जो है आपकी करंट की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई है। और आई होप बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन को समझने में, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी तो हमारी क्लास का टाइम हो रहा है, फिर हम लोग जो है मॉर्निंग में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रही तो हम लोग अपना ऑनलाइन जो लाइव क्लास होगी उसमें हम लोग जो जितने भी प्रॉब्लम अभी बाकी हैं वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, आपको जो भी लगे क्लास कैसी है क्या है जो भी कहना चाहते हो कमेंट जरूर करें, ठीक है। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं। Bye.